अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको पता है कि जैसे कि अब वीक का नया स्टार्ट है, तो हम लोग लास्ट वीक में हम लोगों ने एक टेंस और लेसन थ्री जो है वो कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्या करेंगे, एक लेसन फोर न्यू लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे, और उसका फर्स्ट हाफ आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीक में एक टेंस और जिस तरह एक स्टोरी कम्प्लीट हुई थी, इस वीक में भी इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह करेंगे। कुछ जो है वो पेपर ए के लेक्चर्स होंगे और जो कुछ होंगे वो पेपर बी के लेक्चर होंगे। जो हमने बी पोर्शन टेंसेस का स्टार्ट किया हुआ है वो वाला करेंगे। ऑलमोस्ट वन और टू लेक्चर होंगे इसके पेपर बी के, ठीक है, और बाकी तीन चार जो लेक्चर होंगे वो हमारे सारे होंगे पेपर ए के। और हम लोग इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर फोर, एंड ऑफ टर्म बाय डेविड डचेस, ठीक है। एंड ऑफ टर्म, इसका यानी कि एंड ऑफ टर्म, टर्म का समराद है तलीमी साल का, जो तलीमी साल, ठीक है। तो एंड ऑफ टर्म तलीमी साल का इख्तिताम, ठीक है। एंड ऑफ टर्म तलीमी साल का इख्तिताम बाय डेविड डचेस। इसमें जो है डेविड डचेस जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि वो जो है वो क्या करता था जब वो स्कूल का एक तालिब इलम था, ठीक है। तो उसने क्या, उसने बहुत ब्यूटीफुली जो है वो एक स्टूडेंट जो है, एक तालिब इलम जो है, उसकी ज़िंदगी पे जो उसको प्रॉब्लम्स है, जो उसको जो जो कुछ वो फेस करता है एक स्कूल की लाइफ में, डेविड डचेस ने वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। इसमें सबसे पहले बात जो है, मैं एक थोड़ा सा जनरल सा आपको ओवरव्यू दूँ पहले कि इसमें बात क्या हो रही है पूरे लेसन की, फिर हम लोग उसका सारा टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बात वो ये करता है कि वो एक स्कूल अपने जो है वो स्कूल की ज़िंदगी को बयान करता है बेसिकली इसमें। तो वो कहता है कि जो स्कूल का तालिब इलम है ना, वो अमूमन जो है वो बाकी जो जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनमें से ज़्यादा मुश्किल दौर होता है जो स्कूल के तालिब इलम का होता है। मुसन्नफ़ जो है वो, यानी कि जो राइटर है, उसको खुद भी जो स्कूल की ज़िंदगी है वो पसंद नहीं थी, और ना ही वो सुबह सवेरे उठना पसंद करता था। वो कहता है कि स्कूल में जो है वो रोज़ाना मुशक्क़त वाला काम मिलता है, रोज़ाना मेहनत वाला काम मिलता है, फिर जो है साथ ही घर के लिए जो बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है, तो ये जो है वो, और फिर इम्तहान आ जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स का आपस में बहुत सख्त कंपटीशंस होते हैं, ये जो चीज़ का ना, वो कहता है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनिस्बत कम पाई जाती है, लेकिन जो स्कूल है उसमें ये चीज़ें बहुत हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बहस है, जो उसे बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को जो है वो बिल्कुल नापसंद करता है। और दूसरी बात ये है कि उसने इसको इसमें हफ्ते के जो दौरान जो दो वीकेंड की छुट्टियां आती हैं, हफ्ता और इतवार की, उस पे वो बहुत खुशी महसूस करता है। वो कहता है कि जो वो दो जो छुट्टी के दिन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी के दिन होते हैं, और स्पेशली वो खुशी महसूस करता है जुमे वाले दिन जब वो कहता है लास्ट पीरियड होता है, तो वो बेशक किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका फ्लेवर, उसकी चाशनी, उसका मज़ा ही कुछ और है, ये सोचते हुए कि नेक्स्ट हमें वीकेंड आ रहा है, दो छुट्टियां आ रही हैं। और उसके साथ वो कहता है कि जो सैटरडे नाइट है वो भी एक हैप्पी नाइट है, कि उसमें भी मंडे और सैटरडे के दौरान एक अभी रात दिन होता है जो इन्जॉय करने का होता है, जो छुट्टी का दिन है, लेकिन जो संडे नाइट है वो उसके लिए फिर दोबारा बहुत बड़ा मसला बन जाती है, क्योंकि कल मंडे है, फिर जल्दी उठना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर वही रूटीन दोबारा होगी, वो उसके लिए खौफ से भरी हुई रात होती है, ठीक है। और फिर वो बात में एक बात करता है कि बाज़ुका जो ऐसे ही जो है ना कोई गैर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं ऐसी, कि जिसमें क्या होता है कि स्कूल से कभी स्पोर्ट्स डे इस तरह की कोई चीज़ें आ जाती हैं, कोई मैच खेलने कोई दो घंटे एक घंटा पहले स्कूल से छुट्टी जो है ना वो ऑफ हो जाती है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना किसी बहरान की वजह से या किसी सरमनी की वजह से, वो उसके लिए बड़ा बायस खुशी बनती हैं। लेकिन वो कहता है कि उससे उसकी वजह से फिर हमें छुट्टी का तो मौका मिल जाता है, लेकिन ऐसे जो मौके हैं वो कभी कभार आते हैं। तो वो कहता है कि जो है ये एक वीकेंड की छुट्टियां, उसके बाद वो कहता है क्योंकि वो इंग्लिश लोग हैं तो वो उनके इवेंट होगा क्रिसमस, तो वो कहता है क्रिसमस की जो छुट्टियाँ होती हैं उसका भी अपना ही एक दोबाला मज़ा होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर स्कूल लाइफ में वेकेशनिंग जो है ना उसको बहुत पसंद है। उसके बाद वो कहता है कि लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक टाइम मज़े का है वो आता है जब समर वेकेशन आते हैं, जब एक वो दो तीन माह की लंबी छुट्टियां आती हैं, तो वो जो छुट्टियां हैं ना वो सबसे जो है ना वो जो पूरे साल की जो वो वाला मिड पॉइंट है ना वो बहुत बेहतरीन पॉइंट है।
उसके बाद वो कहता है कि उसे आगे एंड पे जाता है कि उसको बचपन से ना बहुत सी ख्वाहिशात थी, उनमें से उसे एक ये ख्वाहिश थी कि उसके पास एक साइकिल हो जो उसे तकरीबन 21 साल की उम्र में उसकी पूरी हुई, वो भी किसी इनाम के मिलने की वजह से, ठीक है। तो और वो कहता है कि वो क्या करता था, वो अपनी जो पॉकेट मनी उसको सेव रखता था, और अपनी जो है ना उसकी इस तरह की जो ख्वाहिशें थी ना वो नहीं पूरी हो सकी, तो वो उसकी बहुत बाद में जो है ना वो जाके पूरी हुई। मेन यही है, वो कहता है कि जब ये स्कूल की जो ज़िंदगी से फिर छुटकारा तभी मिलता है, उसे तभी मिला जब वो यूनिवर्सिटी में गया। वो कहता है वो तब टाइम था कि अपनी मर्ज़ी से हम लोग क्लास में आते थे जाते थे, तो एक शॉर्ट जो है ना वो लेसन हुआ करते थे। वो कहता है स्कूल में जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो बोरिंग चीज़ थी वो ये थी कि सारा दिन बैठना पड़ता है और फिर नॉलेज को गेन करना, उसको पकड़े रखना, वो वेट महसूस करता था उस चीज़ को। लेकिन उसके बरक्स ये भी है कि वो ये भी कहता है कि उसने वैसे क्लास में कभी भी जो है वो नाखुश नहीं हुआ, वो मतलब एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह बैठ रहता था, लेकिन वो जो रूटीन थी ना वो उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी, ठीक है। ये था इसका लाइट सा इंट्रोडक्शन एंड ऑफ टर्म का। अब आगे आज हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टार्ट आई बिलीव अ स्कूल टीचर आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर अगो विज टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड। आई बिलीव, मैं यकीन रखता हूँ, अ स्कूल टीचर रोट, एक स्कूल का टीचर लिखेगा अ बुक सम ईयर अगो, उसने लिखी एक किताब कुछ साल पहले विद द टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड, इस इनवान के साथ कि जुमा का खुदा का शुक्र जुमा। दैट फ्रेज एक्सप्रेसिस परफेक्टली, ये जो जुमला था, फ्रेज जो अल्फाज के हैं एक्सप्रेसिस तर्जमानी करते हैं परफेक्टली माई एटीट्यूड, परफेक्टली मखसूस तरीके से या उमदा तरीके से माई एटीट्यूड, मेरे रवैये को, टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड हफ्ता, टू द अराइवल यानी कि वीकेंड हफ्ता वार जो छुट्टी है उसकी आमद की। ड्यूरिंग दैम, इसके दौरान, वेन आई वॉज अ स्कूल बॉय, जब मैं एक स्कूल का लड़का था, द डेली ग्राइंड सख्त मेहनत वाला काम यानी कि हार्डवर्क ऑफ स्कूल, स्कूल की विद इट्स अबेंडेंट और बहुत सा होमवर्क, स्कूल का काम, इट्स फायरस होता है शदीद सख्त कंपटीशन मुकाबला, द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स और बेफिक्री का मज़ा लूटना, प्रेस्ट उसे दबाए रखता था हैवीली उपान भारी बोझ तले, मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई ऑफन इंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, बावजूद इस हकीकत के कि मैं अक्सर क्लासरूम के असली काम से लुत्फ़ उठाता था। कि वो कहता है कि ये जो सख्त मेहनत है, उसके बाद शदीद कंपटीशन है और बेफिक्री का जो एहसास है वो मुझे बिल्कुल दबाए रखता था, उसके बावजूद भी वो क्या करता है कि जो स्कूल का काम है वो एक असली और हकीकी तरीके से उससे लुत्फानंदोज़ होता है, ठीक है। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, वेकिंग होता है उठना, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग ये विद द नॉलेज, ये जानते हुए सुबह उठना, दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, दैट देर वॉज नो पॉसिबिलिटी, कि जब हम लोग दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, दैट देर वॉज नो पॉसिबिलिटी टू टर्निंग ओवर करवट बदलना फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, कि बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा और ये कि करवट बदल कर हल्की सी नींद लेने का कोई अमकान नहीं है। एंड सेइंग द आर, और देखना आर्स यानी कि औकात को ऑफ स्कूल के स्ट्रेचिंग हेड जो आगे फैले हुए हैं, वाज अ डिजमल एक्सपीरियंस, एक अफसुरदा कारदान वाले तजर्बे से, स्पेशली ख़ास तौर पर ऑन आ मंडे, पीर के दिन यानी कि सोमवार को। वी हैड अ मेड, हमारी एक नुकरानी थी वंस, कभी हमारी एक नुकरानी थी, हु वुड क्लाइम, जो कि चढ़ती थी ईच मॉर्निंग विद ग्राइम ड्राउने, ठीक है, ईच मॉर्निंग विद ग्राइम स्टेप्स, अपने ड्राउने कदमों के साथ, एज टू द एटिक फ्लोर, भलाई ऊपर वाले या एटिक भलाई कमरे की तरफ, लिनल उसका ही जो है करेक्टर का, एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम, मैं और जो लिनल थे वो एक कमरे में सोए होते थे, एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, और जो मेरी बहन थी सिल्विया वो एक दूसरे कमरे में, एंड अनाउंस इन डीप, और वो ऐलान करती थी इन डीप धीमे फ्यूनरल मातमी टोन्स लहजे में, लिनल डेविड सिल्विया टाइम वक्त हो गया है, आई यूज़ टू लाई वेटिंग फॉर दैट ओमेंशियस होता है मनहूस ट्रीड, मैं लेटा होता था वो मनहूस ट्रीड चलने की आवाज़ को कहते हैं, मनहूस उस चलने की आवाज़ को सुनने के लिए,
ऑन द अनक्रैप्ड एटिक स्टेयर्स, जो कि ऊपर वाली बगैर कलीन के सीढ़ियों पर आती थी, एंड द वॉइस इज हार्लर्ड, और वो जो आवाज़ थी वो मनादी थी, साउंडेड सुनाई देती थी इन माई ईयर्स, मेरे कानों में, लाइक अ समन, समन होता है बुलाना, ठीक है, लाइक अ समन टू डायमेंशन, ऐसे कि जैसे कोई मुझे जहन्नुम की तरफ बुला रखा हो, डायमेंशन कहते हैं जहन्नुम को, ठीक है। वो कहता है कि जो बगैर कलीन के सीढ़ियाँ थी ना, मैं उस आवाज़ को सुनने के लिए लेटा रहता था, जो बगैर कलीन के जो उसकी जो कदमों की आवाज़ थी ना, वो सीढ़ियों पे आती थी, और वो ऐसे लगती थी जैसे कोई जहन्नुम से हमें बुलावा दे रखा हो। द एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन होता है आगाही पेश, वर ऑलवेज वर्स, द एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी, जो पेश आगाही है वो हकीकत से हमेशा बदतर होती है। आई डोंट रिमेंबर एवर, मुझे कभी भी याद नहीं रखा, बिंग स्पेशली, खास तौर पर अनहैप्पी इन क्लास, के मैं कभी भी क्लास में ना खुश हुआ हूँ, बट द ओप्रेशन, लेकिन जो था ओप्रेशन, जालमाना कुचलने वाला वेट, बोझ ऑफ द नॉलेज, इल्म का, ऑफ अ फुल स्कूल, ऑफ अ फुल डेज स्कूल अ हेड, रिमेंड अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्ड हुड एंड डिसअपेयर्ड। वो कहता है कि लेकिन सामने पूरे दिन के स्कूल की आगाही का जो बार ग्रह मेरे बचपन का एक मखसूस एहसास रखा, वो ख़त्म हुआ ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट द स्कूल, ख़त्म हुआ जब मैंने स्कूल को खैर आबाद कह दिया या छोड़ दिया या ख़त्म हो गया, एंड एंटर द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस, जहाँ पे छोटी थोड़ी क्लासेस में जाना होता था, टू बी अटेंड एंड द फ्रीडम तालब इलम एंड फ्रेंड टू बी अटेंड, और जहाँ पे छोटी क्लासों में जाना होता था, एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट, और तालब इलम को आज़ादी थी टू कम एंड गो, मीन अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक ईयर, कि उस स्टूडेंट को आज़ादी थी कि वो आए और जाए, मीन से मुराद ये है कि कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, एक नई किस्म की तालीमी दुनिया थी। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे, जुमेरात के दिन जो है वो उठ, टू फील द एंड ऑफ द वीक, जुमेरात को क्या होता था वेक, टू द एंड ऑफ द वीक, यानी कि हफ्ते की छुट्टियां को महसूस होती थी, आर रेडी लेइंग अहेड, और सामने बिल्कुल लेइंग पड़ा होता था, फ्राइडे मॉर्निंग, जुमा की सुबह वाज पॉजिटिवली मुकम्मल तौर पर रोज़ कलर्ड, एक सरत बख, यानी कि वो कह रहा है कि जुमे रात को उसका वीकेंड स्टार्ट हो जाता था। द लास्ट पीरियड ऑन अ फ्राइडे, जो और जुमे के रोज़ जो आखिरी जो क्लास या लेक्चर या पीरियड होता था, वट एवर द सब्जेक्ट, चाहे वो जो कोई भी मज़मून का होता, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, रखता था एक खास हैप्पी, खुशी वाला फ्लेवर, चाशनी ऑफ द एंड अख्ताम ऑफ द वीक, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट होता था जो आखिरी था, जुमे वाले दिन जो आखिरी लेक्चर था या कोई भी सब्जेक्ट था, वो एक अपने एक खास किस्म का जायका और फ्लेवर रखता था। एंड वन वॉकड होम फ्राम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, और अपने अंदर हफ्ते के अख्ताम के एक खास खुशबार चाशनी लिए होता था, ठीक है। And one walked home from school on a Friday afternoon. और हर कोई जुमा की सुपहर के लिए चाहे जितना ज़्यादा काम मिलता, and one walked home from school on a Friday afternoon, however much homework had been assigned. और जुमा की सुपहर को हर कोई चाहे जितना ही स्कूल का काम मिलता, assigned for the Monday पीर के लिए, with the treat of an escaped prisoner. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जुमे की सुपहर को जब छुट्टी के बाद वो घर जाते थे, मंडे के लिए चाहे जितना स्कूल का काम मिला होता था, तो विद द ट्रीड उनकी जो चाल थी वो एक प्रिजन एस्केप्ड, यानी कि आज़ाद जो है वो प्रिजनर, एक आज़ाद कैदी की तरह की होती थी। फ्राइडे नाइट विद टू सॉलिड डेज बिफोर स्कूल अगेन, जो जुमे की रात थी विद टू सॉलिड डेज, यानी कि सॉलिड पूरे मुकम्मल दिनों से पहले स्कूल अगेन, स्कूल जुमा की रात जो दोबारा स्कूल खुलने से पहले पूरे दो दिनों के समेत, वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते की एक बेहतरीन रात होती थी। सैटरडे नाइट विद स्टिल अ होल डे बिटवीन, जो हफ्ता की रात थी वो भी विद स्टिल अ होल डे, एक पूरा दिन बिटवीन इट एंड मंडे, यानी कि सैटरडे और मंडे के दौरान एक पूरा जो दिन था वो होता था, वाज प्लेजेंट, खुशगवार होता है, इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में।
संडे नाइट वाज फुल ऑफ द थ्रेट, जो जो संडे नाइट का यानी कि इतवार की जो रात थी वाज फुल ऑफ थ्रेट, वो एक फिर होप सदा थी ऑफ मंडे मॉर्निंग, सुबह मंडे के जो होती है इतवार की जो रात है वो सोमवार की सुबह से खौफ से लबरेज होती है। यानी कि वो कहता है फ्राइडे से वीकेंड स्टार्ट होता है, तो फ्राइडे का जो लास्ट पीरियड है वो चाहे जिस भी क्लास का हो तो तब क्या होता है, तब और हर कोई बहुत खुश होता है और उसका एक जो मज़ा फ्लेवर वो अलग होता है कि अब आगे वीकेंड आने वाला है। तो वो कहता है छुट्टी जो फ्राइडे की जो दोपहर में जब छुट्टी होती है तो हर एक की जो चाल है वो बिल्कुल इस तरह होती है जब टुवर्ड्स घर जा रहे हैं कि ऐसे जैसे कोई एक आज़ाद कैदी हो वो जा रहा है, मतलब कि चार पाँच दिन के पीछे एक हेक्टिक रूटीन के बाद। और वो कहता है जो फ्राइडे नाइट है वो बहुत बहुत मज़े की है, क्योंकि मंडे और फ्राइडे के दरमियान अभी दो दिन और दो रातें ऐसी आती हैं जो कि बिल्कुल फुल रिलैक्स है। उसके बाद फिर सैटरडे जो नाइट है वो भी एक बहुत मज़े की है कि उसमें भी अभी एक मंडे और सैटरडे के दरमियान एक पूरा दिन पड़ा हुआ है, और लेकिन जो मंडे संडे नाइट है वो फिर दोबारा खौफ से भरी हुई होती है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट पैराग्राफ। समटाइम्स, अब यहाँ पे वो दूसरी बात करने लगा है कि वो जो कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब होती हैं तो भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब स्कूल एक या दो घंटा पहले छुट्टी हो जाए। समटाइम्स देर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, रिस्पाइट्स होता है वक्फे, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के, बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के वक्फे हो जाते हैं, आ हाफ हॉलीडे एक आधी छुट्टी के, टू लेट अस अटेंड देखने के लिए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल के मैच को, विच सम अनफ्रोसिन अनफोर्सिन अनफोर्सिन होता है नागहानी सरकमस्टांसिस, हालात जो कि किसी भी नागहानी हालात हेड कास्ट की वजह से टू बी कैंसल्ड मनसूख किया गया था, द प्रिसीडिंग होता है पिछले गुजरे हुए सैटरडे, यानी कि कोई ऐसा फुटबॉल का मैच जो किसी नागहानी आफत की वजह से मनसूख किया गया था पिछले हफ्ते, और द सडन डिसमिसल और अचानक छुट्टी बंद करना ऑफ स्कूल की एन आवर और टू बिफोर द यूजुअल टाइम बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस। और कहता है कि स्कूल के से अचानक छुट्टी कर देना, बंद कर देना एक या दो घंटे पहले स्कूल के मामूल के वक्त से पहले किसी अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के क्राइसिस बुहरान की वजह से और सेलिब्रेशन तकरीब की वजह से, कहता है कि वो जो गैर मुतवक्के वक्फे हैं समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई फुटबॉल का मैच देखना होता है जो किसी पहले नागहानी आफत की वजह से किसी पिछले हफ्ते से पोस्टपोन हुआ होता है वो देखना पड़ जाता है, या किसी और आफत जब तकरीब या सरमनी की वजह से स्कूल की जो छुट्टी है वो एक या दो घंटा पहले हो जाए जो उसके वैसे मामूल का टाइम है उससे, तो वो क्या है वो उसके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। बट दीज वर फ्यू एंड फॉर बिटवीन, लेकिन ये क्या है ये कभी कभार और शाज़ो नाज़र जो है वो ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं। दिस इज़ ऑल, अब यहाँ से आगे हम लोग कल इंशाल्लाह सेकंड हाफ पढ़ेंगे, आज के लिए।